हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाना सीखेंगे ग्लिटर फ्लावर, जो आपको बहुत सारे क्राफ्ट्स में बहुत काम आने वाला है और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए ग्लू गन, एक कार्डबोर्ड, पेंसिल, सीजर्स और ग्लिटर फोम शीट। आप अपने पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे पहले एक स्टेंसिल बनाना होगा। हमने यहाँ पर अपने कार्डबोर्ड पर 5 पेटल्स का एक फ्लावर इस तरीके का ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको कट करके ये कटआउट स्टेंसिल की तरह यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हमने ये फ्लावर कट कर लिया है। अब हम अपना फोम शीट लेंगे, इस कटआउट को ड्रॉ करेंगे और फोम शीट से इस तरीके के 3 फ्लावर्स कट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब मुझे एक फ्लावर उठाना है और इसमें से 2 पेटल्स को अलग कर देना है इस तरीके से। अब हम इसे रोल करेंगे और रोल करके ग्लू से इसको स्टिक कर देंगे। ये हम एक्चुअली फ्लावर का बीच वाला पार्ट बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम बचे हुए 3 पेटल्स उठाएंगे और उस पर ग्लू लगाकर ये मिड वाला पार्ट यहाँ पे स्टिक कर देंगे रोल करते हुए। ये यहाँ पे हमने रोल करके इस तरीके से कुछ शेप बना लिया है। अब हम दूसरा फ्लावर उठाएंगे और यहाँ पर सीजर्स के हेल्प से थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। हम ये कट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम फ्लावर को मोल्ड कर पाएँ और उसे प्रॉपर शेप दे पाएँ। तो हमने दोनों फ्लावर्स कट आउट उठा लिए हैं और उनमें इस तरीके से कट लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे और जो मिड पार्ट हमने बनाया है वो यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है। जब आप ये फोम फ्लावर्स बनाएं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर फेबिकोल या कोई और ग्लू यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत कर सकता है। अगर आपको इसे शेप अप करने के लिए थोड़ा और ग्लू चाहिए तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा लीजिए और इसे प्रॉपर शेप देने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। ये मिड वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं सीजर्स के हेल्प से थोड़ा सा कट कर दूंगी। अब हमें लास्ट अपना फ्लावर कट आउट लेना है और इसे भी हम ग्लू लगाकर और जो हमने अभी तक बनाया है फ्लावर वो इसके ऊपर स्टिक कर देंगे इस तरीके से। और इसे भी पेटल्स थोड़ा सा ऊपर के साइड मूव करते हुए हम इसको स्टिक कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा फ्लावर रेडी है। इस तरीके से हमने बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए हैं और आपने देखा होगा इन्हें मैं अपने क्राफ्ट्स में यूज़ करती हूँ। आप ये ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।